देखिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, पोलर फॉर्म। मैंने आपको बताई थी ये एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट था, पोलर फॉर्म हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, इनका बचा हुआ था, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। तो पहले तो इनके बारे में सुन लो कि ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है। प्योरली, प्योरली का मतलब आप भी समझते होंगे, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, दो टर्म आई यहाँ पर। तो पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। प्योरली रियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ रियल टर्म हो, प्योर रियल हो, यानी इस टाइप के जो नंबर होंगे कि जेड इक्वल टू 3 या फिर जेड इक्वल टू 7 या -7, इस तरीके के नंबर जिनमें कोई आई वाली टर्म होती ही नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वे वाले नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो अगर जेड का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो उसमें इमेजिनरी पार्ट बचेगा ही नहीं, सिर्फ प्योरली रियल पार्ट होगा, और उस नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। इन्हें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे जेड इक्वल टू 3 है, 3 + 0i लिख सकते हो, इस वाले जेड को लिख सकते हो -7 + 0i। तो इस टाइप के नंबर कहलाते हैं प्योरली रियल नंबर। ओके, ऐसे प्योरली इमेजिनरी वाले जिनमें सिर्फ इमेजिनरी टर्म हो, कोई भी रियल टर्म ना हो, जैसे कुछ इस टाइप के, जेड इक्वल टू 3i या फिर जेड इक्वल टू -2i, इनमें देख सकते हो सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, रियल टर्म इनमें नहीं है। तो जब रियल टर्म नहीं है तो रियल टर्म को हम 0 मानेंगे, तो इस टाइप के नंबर कहलाते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो यानी प्योरली इमेजिनरी वालों में रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होगा। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, ये वाले नंबर जो प्योरली वाले जो होंगे, प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो, इनको हम पोलर फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आप यहां से समझिए थोड़ी सी बात। जैसे ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई नीचे होगी -y। ओके, अब अगर हम कोई नंबर एक नंबर ले, देखो इस टाइप की हो सकती है प्योरली, चार केस बना रहा हूं मैं यहाँ पर, चार केस बनेंगे प्योरली रियल पॉजिटिव, कि रियल हो और पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जो प्योरली रियल पॉजिटिव होगा, आप एक एग्जांपल लेके देखो, जेड इक्वल टू 2 कुछ इस टाइप का होगा। अगर आप इसे किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कराएं, मतलब इसे आप 2 को 2 + 0i लिख सकते हैं, 2 + 0i, यानी ये पॉइंट 2, 0 से रिप्रेजेंट होगा। तो पॉइंट 2, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पड़ेगा, ये पॉइंट 2, 0 होगा। इस पॉइंट को तुम ओरिजिन से मिलाओ तो यही तो जेड बनेगा, जेड ये बनेगा, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इस जेड का जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस तो यही लेंथ रहेगी, यानी मॉड्यूलस ऑफ जेड तो 2 ही रहेगा। अगर हम इसके मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस ऑफ जेड तो 2 होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की अगर बात करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होता है इस जेड का, ये जेड है, इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, 0 डिग्री। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 हो जाएगा। अब इसकी पोलर फॉर्म आपको लिखनी है, तो पोलर फॉर्म होगी जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, तो ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी, यानी प्योरली रियल पॉजिटिव के केस में ये स्थिति थी। हमने इससे समझ लिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 क्यों आया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सिस के साथ उसने 0 डिग्री का एंगल बनाया था। अब प्योरली रियल नोट कर लेना, इसे वीडियो रोक के एक बार जितनी भी चीजें हैं वो सारी नोट कर लिया करो, उसके बाद आगे बढ़ाओ। अब अगर हम प्योरली रियल निगेटिव वाला केस कंसीडर करें, तो निगेटिव वाले केस में क्या होगा, सपोज जेड इक्वल टू -2 वाला केस लिया हमने, -2 + 0i लेंगे। ठीक है, -2 + 0i, ये पॉइंट -2, 0 बनेगा, -2, 0 वाला पॉइंट इधर होगा, और जब -2, 0 का पॉइंट इधर होगा, आप ये जेड बनाओगे, यही बनेगा ना, ध्यान से समझते रहना। अब जब ये जेड बना, एंगल आपको यहां से मेजर करना है, तो एंगल ये बना मतलब 180 डिग्री, 180 को पाई बोलते हैं, 180 डिग्री बना ये एंगल, 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियन, सब कुछ पाई के टर्म्स में करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो यही लेंथ रहेगी, वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला भी अगर यूज करना चाहिए कर सकते हैं। कैसे होगा, देखो
अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, 4 + 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, और 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 होगा। ओके okay? तो सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोल रहा था शायद मैं, मॉडुलस ऑफ जेड 2 होगा, मॉडुलस ऑफ जेड 2 हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की अगर बात करें हम इस स्थिति में, इधर एंगल 180 बना तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई होगा इस स्थिति में, ये 2 cos π + i sin π, ये आ जाएगी पोलर फॉर्म। तो प्योरली रियल वाले दो केस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्योरली रियल पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 बना था, प्योरली रियल निगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई, ये चीजें याद रखना। और मॉड्यूलस तो बस यही आ जाता है दोनों का, इसी से है। ठीक है, इसी तरीके से प्योरली इमेजिनरी वाले की अगर हम बात करें, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव वाले की, तो इस केस को देखते हैं। प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आप अपनी तरफ से लेट करके देखते हैं, जैसे 3i लिखा, तो हम इसे 0 + 3i भी लिख सकते हैं, और इससे हमें पॉइंट मिलेगा 0, 3। तो एक बार कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, ये इस पर 0, 3 पॉइंट यहाँ होगा कहीं वाई एक्सिस के ऊपर, तो यही तो बनेगा जेड, ये जेड बना। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ, सॉरी, आपको मॉडुलस ऑफ जेड लिखना है, तो मॉडुलस ऑफ जेड तो अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 9 आएगा, और 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो मॉडुलस ऑफ जेड तो 3 हो जाएगा। हमें बात करनी है इस एंगल की, को ये एंगल कितना बनेगा, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, इधर बना रहे एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री मतलब पाई अपॉन टू, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई अपॉन टू हो जाएगा। इस चीज को नोटिस करना आप, कि ये जो प्योरली रियल और इमेजिनरी है, यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वाला वो फंडा यूज नहीं कर रहा हूँ, पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा वगैरह, वे क्वाड्रेंट के लिए थे, यानी जब जेड किसी क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेगा तो आप वो वाला कंसेप्ट यूज करोगे, जब जेड किसी एक्सिस के ऊपर पड़ेगा, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा मतलब प्योरली रियल होगा, अगर वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा तो प्योरली इमेजिनरी होगा। अब उसमें भी दो केस हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हुआ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई टू हुआ, पोलर रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा कि 3 cos π/2 + i sin π/2। ठीक है, पॉजिटिव के केस में नोट कर लो आप इसे भी एक बार। फिर प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव की स्थिति में क्या बनेगा, फटाफट समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। अगर हम जेड को -3i ले, तो ये 0 - 3i लेना पड़ेगा, पॉइंट आएगा 0, -3, मॉडुलस तो देखो वही रहेगा क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे 9 ही होगा, प्लस का मॉडुलस तो 3 ही आएगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क पड़ जाएगा, कि इस बार ये जो जेड है वो नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर ना बन के ये पॉइंट होगा 0, -3, ये पॉइंट 0, -3 होगा, तो यहाँ नीचे की तरफ आप बनाओगे तो एंगल आपको नीचे लेना होगा, मतलब 90 डिग्री तो बनेगा लेकिन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से ऐसे नीचे की साइड जब मीजर करते हैं तो एंगल निगेटिव बनेगा। ओके, -90 मतलब -k π/2 हो जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखोगे आप -π/2, और बस यहाँ माइनस लगा देना, cos -π/2 i sin -π/2। तो ये चीजें कुछ याद रखने की होती है, मैं फिर से रिपीट करवा दूं, अगर प्योरली रियल पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 होगा, प्योरली रियल निगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई होगा, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड +π/2 होगा, प्योरली इमेजिनरी निगेटिव है तो -π/2 हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इसके आधार पर आप जो दो क्वेश्चन बचे हुए थे एक्सरसाइज 5.2 के, वे दोनों आप कर लोगे। ठीक है ना,